गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक और कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो पंजाब में सिचुएटेड है। पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। इसको GMC फरीदकोट के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ये कॉलेज कब बना था, इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट है, इसकी फ़ीस कितनी है और इसमें स्टेट कोटा के लिए एज़ वेल एज़ ऑल इंडियन कोटा के लिए कितनी सीट्स हैं और कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझको नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, और अगर आपको अपनी पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। सो लेट बिगिन विद द वीडियो। एस्टैब्लिश इन 1973, टोटल MBBS सीट 125, ट्यूशन फीस है 1.5 लाख रुपये हर साल की, हॉस्टल फीस है 3,200 रुपये, ये पर मंथ देनी पड़ती है आपको। इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, एफिलेटेड है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट। इसका ऑल इंडियन रैंकिंग 61 है और पंजाब में इसका रैंक 4 है, और इसको NMC, MCI और WHO द्वारा ये अप्रूव्ड कॉलेज है। अब बात करते हैं एफिलेटेड हॉस्पिटल की, तो ये गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड एफिलेटेड हॉस्पिटल फरीदकोट। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऑल इंडियन कोटा में कितनी सीट्स हैं, कितनी कट ऑफ है, और पंजाब स्टेट कोटा में कितनी सीट्स हैं और कितनी कट ऑफ है। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताती हूँ कि हर साल जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट होती है। जैसे इस साल पेपर थोड़ा टफ था तो कट ऑफ कम होगी, पिछले साल ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही रहता है। ये हर साल का वेरी करता ही करता है, कभी कभार 200-300 रैंक, कभी कभार 4-5 हज़ार रैंक, तो ऐसा नहीं है कि हर साल सेम ही रहेगा, अलग अलग रहता है। ये एक एस्टीमेट है जो आपको बता देता है कि आपको ये कॉलेज मिलने के कितने चांसेस हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं फॉर ऑल इंडियन कोटा, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और जनरल फिजिकली चैलेंज के लिए 1 है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी, जनरल ओपन के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो 2,976 है, ST के लिए 27,320 है, ST के लिए 49,728 है। अब बात करते हैं पंजाब स्टेट कोटा सीट एंड कट ऑफ, पंजाब स्टेट के लिए क्या रहती है। पंजाब स्टेट के लिए अंडर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना जो 12th ग्रेड है 11th 12th वो पंजाब से पास किया हुआ होता है, उनकी स्कूलिंग पंजाब से होती है, तो वो स्टेट कोटा के अंदर आते हैं, ठीक है। 85 और उनको अलग से रिजर्वेशन मिलती है, उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती है। 85% सीट्स आर अलॉटेड थ्रू द पंजाब स्टेट मेडिकल काउंसलिंग एंड द सीट्स आर रिजर्व। जैसे आपको UR के लिए 30 है, BC के लिए 10 है, बैकवर्ड क्लास के PWD के लिए 1 है, SC के लिए 24 है, हैंडीकैप के लिए 5 है, बॉर्डर एरिया वालों के लिए 1, डिफेंस के लिए 1 है, FF के लिए 1 है, PP के लिए 1 है, रायट ए 1 है, स्पोर्ट्स के लिए 1 है, टेररिस्ट के लिए 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 है, NRI के लिए 19। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी रैंक में क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, तो आप यहाँ खुद ही देख सकते हो कि जर्नल ओपन के लिए अगर आपको GMC फरीदकोट चाहिए तो आपका रैंक अराउंड 9,101 के होना चाहिए, बैकवर्ड के लिए 41,804, EWS के लिए देख सकते हो 31,399। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको फिर से बताती हूँ कि फ्लक्चुएट होती है हर साल, पर ये आपको एक अच्छा आइडिया प्रोवाइड कर देती है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। थैंक